team has scored for the killed. Target down. सो व्हाट्सअप गेमर्स, के हाल है सभी का। सो गाइस, आजकल जो यहाँ पर आई बटन का यूज़ करते हुए एनिमी को मारने की ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। सो गाइस, जिसके आप अपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा मैं किस तरह यहाँ पर आई बटन का यूज़ करते हुए एनिमी को किल कर रहा था। तो आज की वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉर्मल चीज़ यहाँ पर सीख लेनी है। अगर गाइस, अगर यहाँ पर आप आई बटन का यूज़ करते हुए अगर यहाँ पर आपके करेक्ट के राइट में करते हो ना, तो यहाँ पर आपको क्रोसर ऑटोमेटिकली राइट की साइड से घूमता हुआ आगे की साइड जाएगा। अगर आप लेफ्ट में एम करते हो तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली लेफ्ट से घूमते हुए आगे की साइड जाएगा। तो देख सकते हैं, आप मैंने लेफ्ट के अंदर यहाँ पर एम किया, थोड़ा सा अपनी बॉडी से थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड एम करना, तभी जाके आपका क्रोसर लेफ्ट से यहाँ पर घूमते हुए आगे की साइड जाएगा। तो सबसे मेन तो ये चीज़ होने वाली, ये चीज़ आपको सीख लेनी है। उसके बाद गई जो यहाँ पर आपका एमिंग है ना, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सेंटर की जगह यहाँ पर रखना है। तो देख सकते हो जो यहाँ पर मैं क्रोसर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सेंटर में, तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना, वरना यहाँ पर आपका शॉट यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा। तो काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, काफ़ी इसलिए आप इस चीज़ को यहाँ पर सीख जाओगे। सो गाइस, बात करते हैं यहाँ पर कि पीछे की साइड देखते हुए किस तरह यहाँ पर फायरिंग कर सकते हो। सो गाइस, पीछे की साइड देखते हुए आप एकदम से यहाँ पर फायरिंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपको टारगेट है ना, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर आपको दूर रखना है अपने क्रोसर को। और जो यहाँ पर आपको कि आई बटन है ना, तो यहाँ पर आपको पहले आई बटन को छोड़ना है, उसके बाद यहाँ पर आपको फायरिंग बटन को दबाना है। तो अगर यहाँ पर आप दोनों एक साथ करोगे, यहाँ पर आपको करेक्टर सिंपली यहाँ पर आगे की साइड घूम जाएगा, यहाँ पर फायरिंग नहीं होगी। तो दोनों चीज़ का आपको कि एक साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जैसे कि यहाँ पर आई बटन का यहाँ पर कि पहले छोड़ूंगा आई बटन को, उसके बाद यहाँ पर फायरिंग का बटन यहाँ पर दबाऊंगा। तो देख सकते हो आप कि कितने इजीली मैंने यहाँ पर फायरिंग करके यहाँ पर टारगेट को गिरा दिया। तो यही चीज़ को यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वैसे यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर आपको कि एक बार में यहाँ पर आप काफ़ी ईजिली इसको सीख जाओगे। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर आप लेफ्ट की साइड भी कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने क्रोसर को थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट की साइड किया है, और यहाँ पर छोड़ा देख सकते हो मैंने लेफ्ट की साइड से पूरा घूमते हुए आगे की साइड स्क्रीन पर गया है, और देख सकते हो यहाँ पर पीछे का टारगेट यहाँ पर गिर चुका है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। और इकाई से यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोसर को ज़्यादा यहाँ पर आपको ऊपर भी नहीं ले जाना है, और ज़्यादा नीचे भी नहीं ले जाना है, वरना यहाँ पर आपको मतलब कि एम यहाँ पर चूक जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आप मतलब कि इस टेक्निक से यहाँ पर आप राइट साइड भी मार सकते हो एनिमी को, लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर आप मार सकते हो। तो सब तरफ पर यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अच्छे से। उसके अलावा जिस देख सकते हो यहाँ पर राइट में नहीं मैं, तो राइट में भी इसको काफ़ी यहाँ पर मार देता हूँ। और यहाँ पर पीछे से एनिमी आया है, तो पीछे से भी देख सकते हो कितने इजीली मैंने उसके यहाँ पर हेडशॉट मार दिया है। और कैसे यहाँ पर मतलब कि मैं अपने फ्रेंड के साथ भी करके देख रहा था टीडीएम में, देखता हूँ टीडीएम में कैसी वर्क करती है। तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड पीछे खड़ा हुआ है, तो एक बार में यहाँ पर नहीं हुआ, तो दूसरी बार में यहाँ पर बॉडी कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर तीसरी बार मैं इसको यहाँ पर किल कर देता हूँ। तो गाइस, ये चीज़ को आपको बार बार यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, तब जाके यहाँ पर आप मतलब कि इसमें मास्टर कर पाओगे। और गाइस, यहाँ पर काफ़ी मुश्किल यहाँ पर ट्रिक है, तो काफ़ी बार तो ऐसा होगा यहाँ पर आपसे फायरिंग नहीं होगा। तो मेरे से भी देख सकते हो कभी कभी यहाँ पर मिस हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर फायरिंग हो जाता है। तो गाइस, ऐसे काफ़ी मस्त ट्रिक लगती है। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ, अगर यहाँ पर आपको कोई एनिमी से गाइस किल करता है, तो आपकी स्क्रीन में उसको किस तरह यहाँ पर दिखने वाला है। तो यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि यहाँ पर वो मेरे को यहाँ पर किल करे, तो यहाँ पर काफ़ी ट्राई करने के बाद यहाँ पर मेरे को किल कर देता है। तो काफ़ी मस्त यहाँ पर ट्रिक लगती है, मतलब कि एनिमी आपके अपोजिट देख रहा हो, और यहाँ पर आप मतलब कि इसको मारने जाओ, उतने में यहाँ पर आप खुद किल हो जाओ, तो काफ़ी मस्त यहाँ पर लगता है। तो देख सकते हो मेरे फ्रेंड ने एक बार यहाँ पर मेरे को किल कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड को भी वाली ट्रिक नहीं आती थी, मैंने उसको एक से दो बार बताया ना, तो यहाँ पर वो भी वाली ट्रिक सीख चुका है। तो आप लोग तो काफ़ी ये वाली ट्रिक सीख जाओगे। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चल बे, बहुत हुआ तेरा, मार ही नहीं पा रहा काफ़ी देर से, चल निकल।